नमस्कार दोस्तों, बेंगलुरु शहर में ठेले पर भुट्टा बेचने वाली एक 75 साल की महिला ने सोलर पैनल का इस्तेमाल भुट्टा सेकने में इस्तेमाल कर सभी को हैरत में डाल दिया है। अब नतीजा ये है कि यह महिला अपनी इस अनोखी जुगाड़ की वजह से इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में है और लोग इस अम्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि सेल्वम्मा नाम की ये महिला बेंगलुरु के विधानसौधा नाम की बिल्डिंग के नीचे पिछले 20 सालों से भुट्टे बेचने का काम कर रही है। पहले तो महिला भुट्टों को कोयले के ऊपर सेकती थी और इन कोयलों की आंच और सोलों को बरकरार रखने के लिए हाथ से पंखा करती थी, लेकिन अब महिला ने अपने ठेले पर सोलर ऊर्जा से चलने वाला पंखा लगा लिया है। इस तरह से इनकी काफ़ी मेहनत भी बच जाती है और सूर्य से मिली ऊर्जा से पंखा चलने के कारण कोई खर्चा भी नहीं आता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस सोलर ऊर्जा वाली मशीन से पंखा चलने के साथ साथ एक एलईडी बल्ब भी जल जाता है। जब महिला से पूछा गया कि उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया तो उन्होंने बताया कि मैं एक एनजीओ के पास ही रहती हूँ, बूढ़ी हो जाने की वजह से इन भुट्टों को दिन भर सेकना मेरे लिए मुश्किल होता है। ऐसे में मेरी इस समस्या को देखते हुए एनजीओ ने मुझे ये सोलर ऊर्जा से चलने वाला पंखा ला कर दिया। अब मैं इसकी मदद से आसानी से भुट्टो को सेक लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको इस महिला का यह जुगाड़ कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।